दिल्ली में दूसरे राज्यों से बच्चों की तस्करी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली पुलिस ने एक एनजीओ की मदद से बिहार से लाए गए 41 बच्चों को आनंद विहार स्टेशन से मुक्त करवाया। साथ ही पुलिस ने इन बच्चों को लाने वाले 3 दलालों को भी गिरफ्तार किया। चौदह साल की उम्र के इन मासूम बच्चों को पूर्वी बिहार के किशनगंज से दिल्ली लाया गया है। इन सभी 41 बच्चों को दिल्ली में फैक्ट्रियों और ढाबों में काम करने के लिए लाया गया था, जिसके बदले इन्हें 50 से 100 रुपए मजदूरी देने का लालच दिया गया था। मासूम बचपन से खिलवाड़ करने वाले दलालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये खुद को बेकसूर बता रहे हैं। क्यों पकड़ा पुलिस? कब पकड़ा तुमने? क्यों पकड़ा? कौन से बच्चे थे? किस लिए लेके आ रहे थे? बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे थे। किसके बच्चे थे? कहाँ पढ़ने के लिए आ रहे थे? मेरा चाचा का मेरे पास फोन आया था। मेरा चाचा ने बोला कि मेरा लड़का को जैसे भी अपने पैसे जमा दीजिए। मैं उसको 2 दिन अपने जगह में लगा रखा था। नवेटा नया कंपनी है, उसको कहाँ पर थे पुलिस पकड़ी है? यहाँ पे स्टेशन में मैं उसका टिकट करा के घर टिकट। इसके मतलब इसके बाद 12 बजे के बाद पकड़ लिया मुझे। इसी सीमांचल एक्सप्रेस से इन सभी बच्चों को दिल्ली लाने की सूचना एक एनजीओ ने दिल्ली पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने ट्रेन के दिल्ली पहुंचने पर सघन तलाशी के बाद 3 दलालों को गिरफ्तार कर 41 बच्चों को छुड़ाया। दिल्ली की जो एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट है और बचपन बचाओ आंदोलन ने मिलकर एक पूरी योजना बनाई, और इस योजना कल जो है सीमांचल एक्सप्रेस से करीब 39 बच्चों को रेस्क्यू किया गया और 21 जो ट्रैफिकर थे उनको जो है एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट ने उनसे पूछताछ कर रही है, और वो जानकारी जो जैसे मिलेगी वो पता चलेगा कि इनका पूरा मोटस ऑपरेंडिस कैसे क्या था। दिल्ली में इस तरह बच्चों की तस्करी कर लाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2010 में करीब 600 बाल मजदूरों को छुड़ाया गया था। अलग अलग एनजीओस ने जो अनुमान लगाया है उसके मुताबिक अकेले दिल्ली में ही करीब 50,000 बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। जाहिर है कि ये उस शहर की नाकामी की दास्तां है जो वर्ल्ड क्लास सिटी होने का दावा करती है। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए रोहताश की रिपोर्ट।